हाय हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे घर पर बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीषा कुकिंग किचन में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे और सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले रखे हैं आलू। इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और इसके छिलके भी निकाल दिए थे। चॉप्ड अनियन ले रखा है बिल्कुल बारीकी से काट कर। धनिया ले रखा है मैंने। पुदीना ले रखा है थोड़ा सा। हरी मिर्च ले रखा है, इसको अच्छे से कूट के ले लिया है मैंने। और मैंने यहाँ पे करी पत्ता ले रखा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई यहाँ पे हमारे अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर तेल डाल देती हूँ। तेल को भी पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। राई डाल देंगे इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर चॉप्ड अनियन डाल दूंगी। कड़ी पत्ता भी डाल देंगे इसके अंदर। इसके अंदर अब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच इमली का पेस्ट डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाल देती हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। आधे छोटे चम्मच में इसके अंदर हींग डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल देती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ आलू भी मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। नमक इसके अंदर स्वाद अनुसार डाल देंगे। धनिया और पुदीना डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। ऊपर से और थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया और पुदीना डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आलू है वो भी ठंडा हो गया है अच्छे से। हमने पहले से ही डो को अच्छे से गूंद लिया था, प्रिपेयर कर लिया था हमने पहले से इसको। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अच्छे से ये देखें, ऐसे करके ऐसे करके इसके अंदर डाल दे, भर लीजिए। हाथों से ऐसे प्रेस कीजिए, फिर हाथों तो तवा भी हमने यहाँ पे गरम होने के लिए रख दिया है।
इसके ऊपर लगा लीजिए ऐसे, तेल नहीं तो हमारे पास घी होगा तो भी चलेगा। ये देखिए ऐसे लगा लीजिए अच्छे से। और ये देखिए हमारा ये पहला आलू पराठा बनके रेडी हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने पराठा कुछ इस तरह से बेल लिया है अच्छे से, देखिए कहीं से भी फटा नहीं है और कितना गोल है हमारा पराठा बनके जो हमने बेला है। तेल लगा लेंगे अच्छे से ऊपर। छोटे छोटे ऐसे बना के रख लीजिए, फिर ऐसे आपको नहीं आ रहा है वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे करके साइड में रखते जाइए। ये बन के रेडी हो गए, निकाल देते हैं। ये देखिए इसके अंदर ऐसे भर लीजिए, फिर इसके ऊपर ये रख दीजिए। ये देखिए हाथों से प्रेस कीजिए ऐसे करके। है ना, इसको बेल लीजिए हम धीरे धीरे हाथों से। ये देखें कहीं से भी टूट भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं, कितने अच्छे से बन रही है हमारे, ये देख सकते हैं। देखिए बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब बाकी के भी आलू के पराठे हम ऐसे ही बना के रेडी कर लेते हैं। घी और ये देखिए दोस्तों हमारे आलू के पराठे बनके रेडी हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी आलू के पराठे हैं। आप इसको साथ में दही और सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है सबके साथ में। चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा बना है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए अंदर से कितना खिला खिला बना है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है हमारी आलू जो है वो स्प्रेड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और इतना इजी था इसको बनाना। मिलते हैं एक और ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर हमारे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए सबके साथ में, और मेन इंपॉर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए खाते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।